हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी स्टोरी यानी कि हिंदी कहानी। सो आर यू रेडी ना, लेट्स स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी है एक घमंडी गुलाब की। एक रेगिस्तान में अचानक एक छोटा सा प्यारा सा गुलाब खिल गया। वो गुलाब देखने में बहुत खूबसूरत था, क्योंकि बच्चों रेगिस्तान में गुलाब तो नहीं खिल सकता, लेकिन कुदरती तौर पर अचानक एक गुलाब खिल गया। धीरे धीरे गुलाब बढ़ता गया और उस गुलाब को ही पता था कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत गुलाब है। समय बीतता गया, वो थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई। इसके बाद कुछ दिनों बाद वहाँ पे गुलाब के अगल बगल दो कैक्टस ने जन्म लिया, एक मोटा कैक्टस और एक पतला कैक्टस। वो तीनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। मोटा कैक्टस, गुलाब और पतला कैक्टस आपस में मिलजुल कर रहते। तो दोनों कैक्टस ने सोचा, क्यों ना इस गुलाब का नाम रखा जाए। तो पतले कैक्टस ने कहा, क्यों नहीं इसका नाम मैजिक रखा जाए। तो गुलाब को लगा, मैजिक, वाह कितना प्यारा नाम है मेरा। तो वो गुलाब सिर्फ नाम का मैजिक नहीं था, वो रियल में ही जादुई गुलाब था। गुलाब दिन ब दिन बढ़ता गया और देखने में खूबसूरत हो गया। गुलाब को जब भी प्यास लगती, कैक्टस उसे पानी पिलाता, क्योंकि बच्चों कैक्टस में तो पानी भरा होता है ना, उसे पानी की ज़रूरत नहीं होती। वो सालों तक बिना पानी पिए आराम से जिंदा रह सकता है। दोनों कैक्टस उस गुलाब को पानी पिलाते, वो गुलाब और बड़ा होते जाता। वो गुलाब धीरे धीरे बड़ा होकर सुंदर लाल गुलाब में बदल गया था और उसकी पंखुड़ियाँ बेहद खूबसूरत थी। एक दिन उस रेगिस्तान में एक सौदागर आया। उस सौदागर ने देखा, अरे एक गुलाब वो भी यहाँ, ये तो लगता है कुछ जादुई गुलाब होगा। वो गुलाब सारी बातें सुन रही थी, उसे अपने आप पर बहुत घमंड हो रहा था। हाँ, मैं वाकई में खूबसूरत हूँ। उस सौदागर ने कहा कि मैं इसे ले जाऊंगा और ले जाकर शहर में रखूंगा, लोग इसे आएंगे और देखेंगे। ये सोचकर गुलाब बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने सोचा, मुझे इन दोनों कैक्टस की क्या ज़रूरत, मैं तो शहर जाऊंगी और वहां रहूंगी। लेकिन गुलाब को ये भी पता था, अगर उसे जड़ से निकाला जाए तो वो कुछ दिन के अंदर ही मर जाएगी। उसके बाद कैक्टस को बुरा लगने लगा। वो सौदागर जैसे ही गुलाब तोड़ने गया, कैक्टस ने उसके हाथ में काट लिया। वो सौदागर को दर्द होने लगा। वो सौदागर वहाँ से चला गया। इस तरह गुलाब नाराज हो गया। उसने कहा, तुमने मेरे शहर जाने के ख्वाब को तोड़ दिया है, अब मैं तुम लोग से कभी बात नहीं करूँगी और ना ही तुम लोग के दिए हुए पानी को पीऊँगी। दोनों कैक्टस और गुलाब में झगड़ा हो गया था। समय बीतता गया, दोनों कैक्टस से गुलाब ने पानी नहीं पिया, क्योंकि गुलाब अपनी जड़ से पानी पी के जिंदा रह रहा था। वो तरोताज़ा था, उसे दोनों कैक्टस की क्या ज़रूरत, ये वो सोच रहा था। लेकिन यही उसका घमंड था। धीरे धीरे पानी जड़ में सूख गया और गुलाब बेरंग होता गया। वो दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। उसे पता था कि वो अब नहीं बचेगा। ये देखकर कैक्टस को बहुत बुरा लग रहा था। उसने कहा, प्लीज़ तुम मेरे से पानी पी लो और अपनी जान बचा लो। लेकिन गुलाब शर्मिंदा था, वो पानी नहीं पीना चाहता था। दिन ब दिन वो कमज़ोर होता गया और घुटने के बल आ गिरा। उसे अपनी करनी पे बहुत पछतावा था। उसने दोनों कैक्टस से माफ़ी मांगी, फिर दोनों कैक्टस ने भी उसे माफ़ कर दिया और फिर कैक्टस ने उसे पानी दिया। पानी देते ही गुलाब तुरंत तो हरा नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद गुलाब फिर से तरोताज़ा हो गया और गुलाब को अपनी गलती पे बहुत पछतावा हुआ। इसी तरह बच्चों, हमें इससे क्या सीख मिलती है, कभी भी आपको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वाले को नतीजा बहुत बुरा होता है। ओके, बाय।